अगर हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2s2 2p2, ठीक है। अब कार्बन के अगर हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले तो उनको हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। लिखो क्या होते हैं एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन के तीन एलोट्रोप्स हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड, सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट एंड द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन्स, ठीक है। ये वाला जो थर्ड वाला एलोट्रोप है ये काफी बाद में डिस्कवर हुआ है, समटाइम्स अराउंड आई थिंक 1996 के अराउंड, जब इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर केमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन, डायमंड। डायमंड में कार्बन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस ईच कार्बन इज attached to four other carbon atoms. Each carbon is attached to four other carbon atoms in such a manner कि कोई भी electron इसमें free नहीं होता. So जब हम structure देखते हैं diamond का, तो structure of diamond is something like this, जहाँ पे as I just told you कि हर एक carbon चार और carbons के साथ attached होता है, right? So, अगर हम ये एक सेंटर कार्बन ले रहे हैं तो उसके साथ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। इन अ सिमिलर मैनर इफ वी आर टेकिंग अनदर रिंग, सो हमें स्ट्रक्चर देख के ये पता चलता है कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट होता है, इट हैज अ कॉम्पैक्ट थ्री डायमेंशनल, इट हैज अ कॉम्पैक्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जब हम ग्रेफाइट देखते हैं तो ग्रेफाइट में द कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंस्टेड ऑफ sp3, राइट। ईच कार्बन इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू थ्री अदर कार्बन्स। व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर तो हम देखते हैं कि इसका एक शीट या लेयर स्ट्रक्चर है, अगर ये एक लेयर है तो दूसरी लेयर अटैच्ड होती है टू द फर्स्ट लेयर बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो अगर ये यहाँ पे है तो हम बोल रहे हैं कि ये वाली लेयर इसके साथ अटैच है, राइट। और ये वाला एक कार्बन एटम आ गया, ये एक कार्बन एटम आ गया, ये इसके साथ अटैच्ड है, तो इस तरह से अटैचमेंट ऑफ कार्बन कैन बी शोन। जो ये डॉटेड लाइंस हम डाल रहे हैं, डॉटेड लाइंस क्या एक्सप्रेस कर रही है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है डिफरेंट है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी बहुत डिफरेंस रहता है। सो लेट्स गो ऑन टू डिफरेंस इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, वी हैव ऑलरेडी डन अ फ्यू। फर्स्ट क्या आएगा डिफरेंस, जो हमने यहाँ पे डाला है कि यहाँ पे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड डिफरेंस, यहाँ पे कार्बन इज अटैच्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स, यहाँ पे थ्री अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। थर्ड डिफरेंस, इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वेर एज ग्रेफाइट का शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट हैज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी काफी फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जिसकी वजह से इट इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल, ग्लास वगैरह काटने के काम आता है डायमंड, ठीक है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हैज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर,
due to the weak van der Waal forces of attraction between the two layers. So graphite is generally soft and it is used as a lubricant. आपने देखा होगा कि जब machines वगैरह खोलते हैं तो उसके अंदर एक black सा soft jelly like substance होता है. It is very very soft. That is graphite. ठीक है. Similarly, graphite is also used to, you can say, make lead pencils. Lead pencils बनाने के काम ये क्यों आता है? Because it marks the paper black. Right? होता क्या है कि ये वाली जो एक layer है, ये दूसरे layer के ऊपर easily slip कर जाती है. तो जब ये slip करती है, तो ये paper को पीछे से black कर देगी. तो इसलिए जो lead pencils का lead आपने देखा है, वो lead नहीं होता, that is graphite. ठीक है. Then next, जो diamond है, that is a bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity क्यों होता है bad conductor ये? क्योंकि यहाँ पे कोई भी free electron present नहीं है. हर एक carbon की tetravalency complete हो रही है, क्योंकि एक carbon चार और carbons के साथ attached है. ठीक है. So उसकी वजह से it becomes a bad conductor. Whereas जब हम graphite में जाते हैं, तो जैसे ये graphite है, ये वाला graphite आप देखो 1, 2 और 3 carbon atoms के साथ attached है. Right? So, fourth वाला इसका जो electron है, that is free to move. As a result of which, this becomes a good conductor of electricity. और in fact, जितने भी electrolytic cells हैं, जिसमें हमको non-reactive electrodes चाहिए होते हैं, तो उसमें हम either graphite और platinum दो use करते हैं. ठीक है? Graphite जो है, it's a good conductor. But non-reactive. वो react नहीं करेगा solution के साथ, इसलिए इसको हम लोग use कर सकते हैं very easily as an electrode. ठीक है? ये इसके दो major differences हैं. Uses लिखो diamond के. One I have already told you. It is used as a cutting tool. It is used as a cutting tool. Number two, किसके काम आता है? To make expensive jewellery due to its highly polished surface. Due to its highly polished surface. Number three, it is used in the manufacture of tungsten filaments for electric light bulbs. Then uses of graphite, it is used in making electrodes. It is used in making electrodes. Number two, it is used as a lubricant, in machinery, mixed with clay. Number three, mixed with clay or wax. Mixed with clay or wax, it is used to make leads of lead pencils. And last, it is also used to make moderators for fast moving neutrons in atomic reactors. ठीक है, fast moving neutrons in atomic reactors. अब ये जो हमने दो forms इसके करे, that is diamond and graphite, they are said to be the crystalline forms of carbon. Crystalline forms, मैंने आपको बताया था क्या होते हैं crystalline forms, जिसमें definite pattern of geometry होती है. ठीक है, जैसे हम diamond में कर रहे हैं तो हमने hexagonal rings draw करी है. So they have a definite pattern, जहाँ पे carbon, जहाँ उसको position दी गई है वहीं बैठेगा, discipline manner. ठीक है, जो second इसका होता है form, that is known as the amorphous form of carbon. Amorphous mein the molecules are not arranged in a proper manner, haphazardly arranged hote hain. Theek hai? Amorphous
सॉलिड्स की बेसिकली आप लास्ट नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके दो फॉर्म्स होते हैं, दो यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक अरेंजमेंट जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस दे आर प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड पोजिशन एंड दे हैव अ डेफिनेट पैटर्न, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल. ठीक है. और सेकेंड जो सॉलिड्स का फॉर्म होता है उसमें दे हैव अ हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज amorphous forms. तो amorphous forms कौन कौन से हैं? The first one that is coke. ठीक है. अब क्या है ये coke? कोयला, greyish black color के पत्थर which are generally used for fuels. ठीक है. उसको बर्न करने के काम आता है टू गिव एनर्जी एंड लाइट, हीट एंड लाइट. सेकेंड जो इसका फॉर्म है दैट इज चारकोल. चारकोल भी आपको पता है क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू कोक. कोक एक हार्ड सब्सटेंस है, वेयरएज जो चारकोल होता है वो थोड़ा सा पोरस होता है. देखा हुआ है ना चारकोल कैसा होता है. चारकोल कितने टाइप का होता है, वी हैव फर्स्ट वुड चारकोल. जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जो उसके पीछे से सॉफ्ट सा वो बच जाता है दैट इज नोन एज वुड चारकोल. सो वुड चारकोल दैट इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम वुड. ठीक है. सेकेंड जो होता है दैट इज एनिमल चारकोल. राइट. एनिमल चारकोल कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, उससे हम लोग एनिमल चारकोल बनाते हैं. चारकोल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी है या यूज है कि ये एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है. एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको कलर्ड वाटर के अंदर डालेंगे तो ये उसके कलर को एड्सॉर्ब कर लेगा और जो सॉल्यूशन हमारे पास बचेगा दैट विल बी अ कलरलेस सॉल्यूशन. तो जनरली जो चारकोल होता है दैट इज यूज्ड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ शुगर. जब शुगर बनाई जाती है फैक्ट्रीज में शुगर केन से, तो शुगर केन का आपने जूस देखा ना कैसे होता है, ग्रीनिश येलो से कलर का होता है. राइट. अब उससे जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं दे विल ऑल्सो बी येलो इन कलर. हैव यू एवर सीन येलो क्रिस्टल्स? जो रॉ शुगर होती है जिसको आप बुलाते हो, क्या बुलाते हो, ब्राउन शुगर, जो रिफाइंड शुगर नहीं होती, वो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका कलर जो है वो हम लोग निकालते नहीं, पर जनरली जो टेबल शुगर हम खाते हैं उसमें से उसका कलर रिमूव कर दिया जाता है. दैट इज वाई पुटिंग चारकोल इनटू द जूस. और जब ये जूस में चारकोल डालते हैं तो ये उसके सारे के सारे डाइज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वी गेट अ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अ कलरलेस सब्सटेंस. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ चारकोल इज नोन एज शुगर चारकोल. शुगर को जब हम बर्न करेंगे, हीट करते हैं शुगर को, तो क्या होगा, शुगर इज C12H22O11. हम इसको शुगर को बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12C+11H2O. राइट. पीछे एक ब्लैक सा मास रह जाता है, इसको आप जला के भी देख सकते हो एक कच्ची में, तो पीछे जो एक ब्लैक सा मास रह जाता है दैट इज दिस ओनली कार्बन. इसको हम चार्ड शुगर भी बुलाते हैं, इसे हम शुगर चारकोल भी बुलाते हैं और इसको हम पुडिंग्स वगैरह में यूज भी करते हैं. कैरेमल पुडिंग्स बनती है ना, इससे हम कैरेमल बनाते हैं. थोड़ा सा हीट करोगे तो वो लाइट ब्राउन हो जाएगा और हीट करोगे तो डार्क ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा. तो जब वो ब्लैक हो जाता है देन दैट इज नोन एज शुगर चारकोल. ठीक है. क्लियर हो गया. एंड देन नेक्स्ट चारकोल के बाद जो नेक्स्ट है द थर्ड वन दैट इज नोन एज लैम्प ब्लैक. जो दिए जलते हैं दिवाली पे तो उसके बाद आप क्या देखते हो नेक्स्ट डे कि दिए के अंदर की तरफ को काला हो जाता है सारा, उसे हम लैम्प ब्लैक बुलाते हैं. पिछले जमाने में लेडीज उससे क्या बनाती थी, काजल, सुरमा, सुरमा बुलाते थे पहले हम उसको, तो वो इसी से बनता है. वो भी क्यों बनेगा, क्योंकि हम ऑयल में जब विक को बर्न कर रहे हैं
तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट गिवन. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ऑयल सारा बर्न हुआ उसकी वजह से कार्बन जितना रिलीज हुआ है वो डिपॉजिट हो जाता है. दैट इज नोन एज लैम्प ब्लैक. ठीक है, सो दीज आर द फॉर्म्स. देन वी वर टॉकिंग ऑफ अनदर एलोट्रोप, फ्यूलरीन्स. फ्यूलरीन्स जो है दे आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैविंग अ लॉट मेनी नंबर ऑफ कार्बन, समथिंग बिटवीन 32 to 84. ठीक है, इसकी जो स्टडी शुरू हुई थी दैट वॉज इन 1985, राइट, और 10 साल के बाद एग्जैक्ट फ्यूलरीन जो थे उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू हुई. तो फर्स्ट इसकी 1985 में डिस्कवरी शुरू हुई थी. इट कंटेन्स मेनी कार्बन एटम्स और ये जो कार्बन एटम्स अरेंज्ड है दे आर इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, राइट. सो फुटबॉल की तरह ये हमें नजर आता है जिसमें एक स्फेयर है और उस स्फेयर के अंदर इस तरह के हेक्सागनल, एग्जैक्टली लाइक द शेप ऑफ अ फुटबॉल. जो ये फुटबॉल शेप थी इसको हम लोग बकमिंस्टर फ्यूलरीन बुलाते हैं और इसके पास 60 कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है, सो दिस इज C60 एंड दिस इज नोन एज बकमिंस्टर फ्यूलरीन या बकमिंस्टर कार्बन. ठीक है, क्लियर हो गया है. ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कार्बन. लेट्स राइट डाउन द यूजेस ऑफ कार्बन वन बाय वन. हमने ऑल्दो काफी सारे लिख लिए हैं बट लेट्स सी और क्या इसके यूजेस हो सकते हैं. यूजेस ऑफ कार्बन, नंबर वन, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स. नंबर टू, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर coal gas, water gas and producer gas. It is also used as a good reducing agent, in metallurgy. Activated charcoal, is used as a catalyst in many reactions, graphite ke uses humne already kar liye. Theek hai, fir uske baad diamonds kis liye use hote hai, this also we have done, right. So we have almost done all the uses of carbon. Next jo element hai, that is silicon. So write down the uses of silicon, the second member of the family. Number one, it is used to form, ye maine aapko pehle bhi bataya tha, N-type or P-type सेमीकंडक्टर्स. बताए थे ना मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कि जिनको हम इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ठीक है, सो सिलिकॉन का सबसे बड़ा यूज यही है, दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका लिखो सेकेंड, it is an important component of, silicon is an important component of glass and cement. Very pure silicon is used to make computer chips,
कभी हम बुलाते हैं ना, जैसे जहाँ पे आईटी बहुत ज्यादा है तो उसको हम सिलिकॉन वैली बुलाते हैं। इंडिया में सिलिकॉन वैली कौन सी है? बैंगलोर, ठीक है। सो वहां पे क्योंकि कंप्यूटर्स का जहां पे आईटी का काम बहुत ज्यादा होगा, दैट इज नोन एज अ सिलिकॉन वैली, राइट। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जर्मेनियम। Uses of germanium, number one, it is used in the transistors. Number two, it is used for making lenses and prisms. Number three, it is used for making scientific apparatus. Scientific apparatus, okay. Then the next element is lead. Uses of lead. Lead is, it's used for making lead sheets and lead pipes. Number two, it is used in making telephone wires. Telephone wires. Number three, it is used in making storage batteries and bullets. Number four, it is an important constituent of many alloys like type metal. Many alloys like type metal. ठीक है, लेड से पहले हमने एक छोड़ दिया है टिन। Uses of tin. Number one, it is used to, it is used to, for electroplating. It is used for electroplating and in the preparation of many alloys like solder. मैंने आपको पहले भी बताया कि solder क्या होता है। Solder is an alloy of tin and lead. ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर कहीं की वायर्स वगैरह टूट जाती है तो soldering iron हम use करते हैं उनको जोड़ने के लिए, right? फिर उसके बाद bronze, lead, copper and tin. Bronze is an alloy of lead, copper and tin. ठीक है, और फिर उसके बाद type metal. Type metal is an alloy of lead, tin and antimony. Lead, tin and antimony. Right? So ये alloys बनाने के काम आता है. Then let's go on to the compounds of carbon. The first compound which we are going to do, that is carbon monoxide. Carbon monoxide, CO. Carbon monoxide, it is prepared by incomplete combustion of carbon. To give carbon monoxide. जैसे for example, आप अंगीठी जला रहे हो बंद कमरे में. So limited supply of oxygen is there, तो carbon monoxide बनता है. ठीक है? It can also be prepared by reacting or dehydrating formic acid, dehydrating का मतलब होता है removal of water molecule, ठीक है, at a temperature of 373 Kelvin, it is going to give us CO plus H2O. So carbon monoxide जो है उसे हम prepare करते हैं, जो pure form of carbon monoxide है, that can be prepared in this manner, ठीक है। Temperature जो आपकी range है वो 373 से 473 तक ले जा सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कमर्शियल स्केल में हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय रिएक्टिंग इट विद स्टीम व्हेन इट विल गिव अस
producer gas, sorry, water gas, CO और H2 जो है, in combination, इसे हम water gas बुलाते हैं, ठीक है, ये वाली जो reaction है, that takes place at a high temperature of 473 to 1273 Kelvin, right, अगर हम इसको वाटर गैस के अलावा एक और भी चीज बुलाते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सिन गैस, सिंथेसिस गैस, सिन गैस, ठीक है, अगर हम कार्बन को एयर में मिक्स करें, मतलब कि हम एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये हमें प्रोड्यूसर गैस देती है, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, प्रॉपर्टीज लिखो इसकी, इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाई टॉक्सिक नेचर इसकी क्यों होती है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को हमारी बॉडी के अंदर कट कर देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कॉजेस नोजिया एंड अल्टीमेटली डेथ, जैसे विंटर्स में हम लोग अंगीठियां जला लेते हैं बंद कमरों में तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग जाती है, आप थोड़ी देर के बाद खुद से देखोगे कि वो आपके सिर को चढ़ने लग जाती है ना, यू स्टार्ट फीलिंग गिटी, चक्कर आने लग जाएंगे, सो दैट इज बिकॉज कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इनहेल कर ली है और वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो गई है, जब वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है दैट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्ट फीलिंग गिटी एंड देन अल्टीमेटली डेथ कैन टेक प्लेस, this is one very very important property, then carbon monoxide second property, it burns in air, carbon monoxide burns in air to produce carbon dioxide, burns in air to produce carbon dioxide, uses likho iski, uses number 1 A mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas. Carbon monoxide and hydrogen is known as water gas, and its mixture with nitrogen is known as producer gas. Both are used as good industrial fuels. Number 2, it is used as a good reducing agent in many metallurgical processes. Many metallurgical processes for purification of metals like purification of nickel in Mohn's process, MONDS, purification of nickel in Mohn's process, ठीक है, then we go on to the second compound, that is कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम, बाय हीटिंग कार्बन इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव अस CO2, इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मार्बल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन को हम लोग हीट करते हैं टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो शुगर मेटाबोलाइज होता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड,
कितने ऑक्सीजन, सिक्स प्लस सिक्स ऑक्सीजन, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर. प्रॉपर्टीज लिखो, इट इज अ नंबर वन, इट इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस. नंबर टू, इट इज नॉट पॉइजनस लाइक, इट इज नॉट पॉइजनस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड. नंबर थ्री, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वॉटर. इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वॉटर. नंबर फोर, नंबर फोर, इट कैन बी इजिली लिक्विफेबल, लिक्विफाइड, ठीक है. यूजेस देखो कार्बन डाइऑक्साइड के, इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ, सारे यूजेस पता है आपको. नंबर वन, प्रेपरेशन ऑफ कोलास या एरेटेड वाटर, ये भी हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है. नंबर टू, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बुलाते हैं हम, ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ड्राई आइस. या इट्स नोन एज ड्राई आइस, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ मेनी पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यूज है. नंबर थ्री, फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ, फॉर विक्टिम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इन द शेप ऑफ कार्बोजेन कैन बी यूज्ड. कार्बो, सी ए आर बी ओ जी ई एन, कार्बोजेन कैन बी यूज्ड. अब कार्बोजेन है क्या, कार्बोजेन इज 85% ऑक्सीजन प्लस 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. सो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिनकी बॉडी के अंदर चला जाता है या बन गया है या उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए हम कार्बोजेन को यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इट इज यूज्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है. आज हम यहीं तक करेंगे.